स्वागत है आप सभी का कैसे करें हेल्प यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दीपक। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी के भी मोबाइल को अपने मोबाइल से पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर उसकी लाइव लोकेशन, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग इत्यादि सब कुछ आप अपने मोबाइल पर देख पाएंगे, उसकी लाइव फ़ोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब प्रोसेस आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या आपका कोई बच्चा है, आपका कोई एम्प्लॉई है, उस पर नज़र रखने के लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। दोस्तों मेरा चैनल किसी भी तरह के इलीगल कंटेंट को बढ़ावा नहीं देता है। तो दोस्तों ये सब करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आज मैं जो तरीका बताऊंगा उसमें लाइफ टाइम फ्री रहेगा, यानी कि आपको एक बार ये प्रोसेस करनी रहेगी, उसके बाद लाइफ टाइम फ्री तक आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के आपने बहुत वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कैसे आप किसी के मोबाइल को स्पाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें क्या होता है वो जैसे आप वो प्रोसेस करते हैं वो 5 दिन 7 दिन या 1 महीने तक ही चलता है, उसके बाद वहाँ पे जो है पैसा मांगने लगता है, फिर वो ट्रिक काम नहीं करती। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे दावा करता हूँ अगर आप ये मेरे द्वारा बताई हुई पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप जो है गारंटी के साथ यहाँ पे जो है आप ये सब कर पाएंगे। उसी के साथ दोस्तों इसकी कुछ सेटिंग हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन जितनी सेटिंग मुझे देखने को मिली है शायद किसी और एप्लीकेशन में मुझे नहीं मिली हो, क्योंकि इसकी सेटिंग आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है आप सब कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उस अपने जो है किसी फैमिली मेम्बर या अपना लड़का जो भी है जिस पर आप नज़र रखना चाहते हैं, जिसकी आप जासूसी करना चाहते हैं, उसका मोबाइल ले लीजिए। दोस्तों मोबाइल लेने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसके मोबाइल में सबसे पहली कंडीशन दोस्तों कि इंटरनेट चलना चाहिए और मोबाइल जो है एंड्रॉइड उसका होना चाहिए, जहाँ पर ये एप्लीकेशन यानी कि इंस्टॉल हो जाए। और यहाँ पर दोस्तों गूगल में आपको जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है मोबाइल, फिर उसका डैश, फिर ट्रैकर, फिर डैश, फिर free.com, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी तरह से आपको यहाँ पर डालना है और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। दोस्तों सर्च करने के बाद पहले नंबर पर ही आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी, इस पर आपको टच करके यहाँ पे ऐसे ओपन कर लेना है। दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे आप देख रहे हैं कि ये देखिए इंस्टॉल एप्लीकेशन दिया है और यहाँ पर जो है यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको जिसका जिसके मोबाइल में आप ये प्रोसेस करेंगे उसका आप क्या क्या देख पाएंगे। चलिए व्यू डेमो पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप उसका क्या क्या देख पाएंगे अपने मोबाइल से। देखिए दोस्तों यहाँ पे उसका ऑनलाइन स्टेटस आप देख सकते हैं, बैटरी, उसकी लोकेशन, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों SMS, MMS, कॉल, लोकेशन, ये देखिए पिक्चर, ऐप, कौन कौन ऐप, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, साइड व्यू, कौन सी कौन साइड वो विजिट करता है, क्लिपबोर्ड, नोटिफिकेशन, फेसबुक, व्हाट्सएप, हैंगआउट, स्काइप, देखिए दोस्तों यहाँ पे सब कुछ, जीमेल, यानी कि पूरी तरह से देखिए रिमोट कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हैं, लाइव व्यूइंग, देखिए फाइल एक्स, यहाँ पे सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो भी लाइफ टाइम फ्री के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये प्रोसेस कैसी करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था क्या क्या आप देख पाएंगे। तो चलिए ये करने के बाद ये एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है, इंस्टॉल एप्लीकेशन, इस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ बता रहा है कि इसमें क्या क्या परमिशन आपको देनी पड़ेंगी, तो वो सब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। आपको क्या करना है यहाँ पे डाउनलोड ऐप पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आ गया डाउनलोड मोबाइल ट्रैकर फ्री, तो यहाँ पे आपको आई एग्री पर टच करके यहाँ पे डाउनलोड मोबाइल ट्रैकर फ्री पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे गूगल क्रोम में इस तरह से आपको नीचे एप्लीकेशन देखिए डाउनलोड करने के लिए बता रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड पर टच कर देना है, वैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए ये डाउनलोड कंप्लीट करने देते हैं। उसके बाद दोस्तों डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको ये वाईफाई के नाम से दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों ये एक दूसरे को धोखा देने का एप्लीकेशन है, उसको पता ना चले कि उसके मोबाइल में ये क्या एप्लीकेशन है, वो वाईफाई समझेगा, इसलिए कभी कभी इसे छेड़ेगा नहीं। हालांकि ये एप्लीकेशन उसके मोबाइल में हाइड भी हो जाता है, फिर भी वो अपने एक सिक्योरिटी के लिए यानी कि वो अपना धोखा देने के लिए इसका नाम रखा है वाईफाई। तो चलिए यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए यहाँ से ये इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन।
दोस्तों ये सब प्रोसेस आपको उसी के मोबाइल में करनी है। आप दोस्तों अगर वीडियो में किसी तरह की आपको दिक्कत आती है तो आप वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी सेटना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, अब आपको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, चलिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। दोस्तों क्रिएट एन अकाउंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए फर्स्ट परमिशन मांग रहा है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसमें है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक्टिव कर देना, ये देखिए एक्टिव यहाँ से आपको करना है, एक्टिव हो गया है। चलिए सेकंड वाला ऑप्शन नोटिफिकेशन को डिसअलाउ करना है, इसको मैं टच किया और गो पे क्लिक किया। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हर मोबाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए शो नोटिफिकेशन दिया, इसे आपको हटा देना है, ओके कर देना है, इससे उसके मोबाइल में कोई भी नोटिफिकेशन ना जाए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन कैप्चरिंग परमिशन, यहाँ से देखिए ये भी आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है, स्टार्ट नाउ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो भी ऑप्शन हो इस तरह से आपको परमिशन देना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए ये दे रहा है डिसेबल चेकिंग एप्लीकेशन, अदरवाइज रिस्क ऑफ अनइंस्टॉल द एप्लीकेशन, स्कैन डिवाइस फॉर द सिक्योरिटी। ये देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है प्ले स्टोर से इसे डिसेबल कर देना है। चलिए मैं यहाँ से इसे डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी अगर टिक लगा हो वो टिक को आप बंद कर दीजिए। ये देखिए मेरा टिक ऑलरेडी सबसे बंद है, आपका अगर ऑन हो यहाँ से तो आप इसे बंद कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी ऑन नहीं रखना है आपको, तो चलिए बैक चलते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों सेटिंग जानना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप सेटिंग कर लेंगे पूरी तरह से मैं दावा करता हूँ कि आप ये पूरे मोबाइल को उसके आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है, तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी अपना ईमेल एड्रेस आपको डाल देना है, और चलिए मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, और gmail.com। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसका नहीं डालना है, अपना डालना है, क्योंकि ये प्रोसेस अब आपको फिर अपने मोबाइल में भी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कोई आपको पासवर्ड बना लेना है, आपको अपने जीमेल का पासवर्ड नहीं डालना है, आपको नया पासवर्ड बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड बना लेता हूँ, चलिए मैंने ये पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह। और आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है पासवर्ड डालने के बाद। जैसे ही आप ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, जैसे ही बनाएंगे, वैसे आपने जो ईमेल एड्रेस डाला होगा उस पर एक इस तरह से एक मेल जाएगा, एक मैसेज जाएगा, और वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका मॉडल नंबर, जो मॉडल नंबर आप जिसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं वो दिखाई देगा। उसके बाद ये देखिए कमांड यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए, अगर आप यहाँ से और भी परमिशन दें, उसकी MMS आपको चाहिए तो आप MMS भी वहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर आपकी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए, आप सोचते हैं वो कहीं पर भी कॉल करे उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास आती रहे, तो आप इसको भी ऑन कर दीजिए। आप उसकी पिक्चर चाह रहे हैं तो पिक्चर पर भी ऑन कर दीजिए। हिस्ट्री आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, कैलेंडर, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप वो परमिशन आप दे दीजिए। जैसे कौन कौन वो वेबसाइट ओपन कर रहा है वो भी आप यहाँ से दे दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे देने के बाद अगर आपको ये देखिए यहाँ से एसेसिबिलिटी से यहाँ पे ऐसे ऑन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन आप वाईफाई की देखिए, ये वाईफाई दिया हुआ है, ऐसे यहाँ से देखिए ओपन कर लीजिए, यहाँ से इसे ऐसे यहाँ परमिशन दे दीजिए। तो चलिए परमिशन दे दी है, और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए परमिशन तो हो गई है। अब नीचे दोस्तों आ गया है सोशल नेटवर्क, ये देखिए सोशल नेटवर्क, अगर उसकी सोशल जो भी नेटवर्क है वो आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसकी कुछ कंडीशन है, कि जिस बंदे के मोबाइल में आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं उसका मोबाइल रूटेड होना चाहिए, तब ये सोशल मीडिया जो भी है वो आप देख पाएंगे। चलिए तो यहाँ पे इतना सेटिंग आपने कर दिया है, उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। चलिए यहाँ पे सेव करने के बाद ये देखिए यहाँ पे सेटिंग में जा रहा है, और सेटिंग में यहाँ से आपको ये परमिशन दे देनी है, वाईफाई को यहाँ से नोटिफिकेशन को यहाँ से ओके कर देना है, और यहाँ पे बैक कर देना है। उसके बाद ही दोस्तों ये नेक्स्ट होगा। यहाँ पे देखिए ये सब एक्टिवेट हो चुका है, ये देखिए। अभी दोस्तों ये आपको कोड ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप जब भी एप्लीकेशन को फिर से ओपन करेंगे तो ये कोड आपको काम जरूर देगा। देखिए *1234 फिर *, जब आप यही दबाएंगे तभी जो है ये जो एप्लीकेशन फिर से ओपन होगा, उसके अलावा कभी भी ओपन नहीं हो पाएगा। तो ये कोड आप याद रखिएगा, 1234 और आगे पीछे **। चलिए ओके, मैंने याद कर लिया है, ओके। अभी देखिए एप्लीकेशन वहाँ से हाइड हो गया है।
ये पूरी प्रोसेस आपने उसके मोबाइल में कर दी है, पूरी परमिशन दे दी है। दोस्तों इतनी परमिशन आप ध्यान से दीजिएगा कि कोई भी सेटिंग गड़बड़ हो गई तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आप चलते हैं अपने मोबाइल में, यानी कि उसको मोबाइल उसका दे देना, उसका मोबाइल पूरी तरह से कंट्रोल आपका हो जाएगा अपने मोबाइल से। चलिए आप चलते हैं अपने मोबाइल पर, जिसके मोबाइल में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था और वहाँ पर यूजर नेम यानी कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो सब करने के बाद उनका मोबाइल आपको दे देना है वापस। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में आ जाना है। दोस्तों अपने मोबाइल में आने के बाद आपको गूगल ओपन करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है mobile-tracker-free.com login, ये आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद जो इसकी वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं जो वेबसाइट है वो यहाँ से डायरेक्ट ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब आपने जो ईमेल एड्रेस वहाँ डाला था वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डाल लेना। चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पासवर्ड आपने जो वहाँ बनाया था वो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको मॉडल नंबर दिखाई दे जाएगा ऊपर। सेकंड नंबर पर यहाँ पे आपको जो यूजर नेम होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे, और सेकंड नंबर पर यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन रहेगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो है जो नंबर दिया हुआ है इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डैशबोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जाके डैशबोर्ड पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे तो उसका जो जितना भी डाटा होगा यहाँ पे आपको लाइव दिखाने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों उसका ऑनलाइन स्टेटस, बैटरी, लोकेशन यहाँ पे सब कुछ अपडेट हो रहा है। तो दोस्तों वो जो एप्लीकेशन है मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले उसके मोबाइल में इंस्टॉल किया है। उसके मोबाइल में जो बैटरी है वो 72% है, उसका हमारा इंटरनेट चल रहा है, लाइव लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए सब कुछ उसका एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे SMS उसके मोबाइल में कोई आया नहीं है क्योंकि मैंने अभी अभी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था, कोई भी कॉल नहीं आई है। उसके बाद पिक्चर भी कोई नहीं है। यहाँ पे उसने 22 वेबसाइट को अभी ओपन किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है, क्लिकबोर्ड में यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप दोस्तों लाइव व्यूइंग देख सकते हैं, फाइल एक्सप्लोर। चलिए यहाँ पे मैं रिमोट कंट्रोल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों और भी आप सब कुछ देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लाइव ये देखिए दिया, उसका रिमोट कंट्रोल पे मैं क्लिक करके चलिए यहाँ पे कुछ कंट्रोल करके देखता हूँ कि रियली में कंट्रोल कर भी लेता है या फिर केवल झूठी दावा करता है। तो देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे रिमोट कंट्रोल में, एक एक्शन का, एक रिजल्ट का। तो दोस्तों एक्शन में आप जो काम यहाँ पे करेंगे वो यहाँ से कमांड जाएगी और रिजल्ट में उसकी कमांड उसका रिस्पांस आएगा, यानी कि जो भी हुआ होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए टैग के पिक्चर, उसका जो फ्रंट है फ्रंट कैमरे से पिक्चर आ जाएगी डायरेक्ट लाइव। जैसे टैग के पिक्चर पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया है, ये पिक्चर चली गई है। उस पर आप उसकी एक मिनट की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, वो भी आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। उसका मोबाइल यहाँ से वाइब्रेट कर सकते हैं 5 सेकंड के लिए। यहाँ पे दोस्तों सब कुछ दिया है, वाईफाई ऑन कर सकते हैं, उसका मोबाइल हालांकि फॉर्मेट कर सकते हैं और जो है उसका मोबाइल आप यहाँ से लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप टैग स्क्रीन शूट ले सकते, उसका जो मोबाइल होगा उसका पूरा स्क्रीन शूट आप मंगा सकते हैं। चलिए इसमें तो कुछ कमांड मैंने दे दी, अब चलिए एक्शन में यहाँ पर रिजल्ट में चलता हूँ। तो रिजल्ट में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, देखिए टैग पिक्चर मैंने किया था, फ़ोन को अनलॉक किया था, लॉक किया था, ऑडियो रिकॉर्डिंग किया था, यहाँ पे सब कुछ जो कमांड दी थी वो यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन सिम की इन्फॉर्मेशन में कमांड दी था वो भी यहाँ पे आ गया। देखिए ये सिम की इन्फॉर्मेशन उसकी है। यहाँ पे जो पिक्चर मैंने ली थी दोस्तों वो पिक्चर आ गई। चलिए मैं देख लेता हूँ, ये दोस्तों मेरा ही दूसरा मोबाइल था उसमें मैंने जो है किया था। तो देखिए मेरी पिक्चर वहाँ पर जो है आ गई है। तो यहाँ पे ऑडियो जो डाउनलोड था, ऑडियो जो आपने ऑडियो डाउनलोड किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये जो आपने मोबाइल लॉक किया था उसका अनलॉक किया था वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये तो सब यहाँ पे प्रोसेस हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए SMS ये सब कुछ दिया हुआ है। उसकी पिक्चर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैं पिक्चर ओपन नहीं करूँगा क्योंकि उसका कुछ पर्सनल डाटा भी रहता है, यहाँ पे ओपन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप ये जान गए हो कि आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं, उसका मोबाइल भी यहाँ से पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैंने यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। इसमें और भी कमांड दिए हुए हैं लेकिन मैं यहाँ पे पूरा नहीं बता सकता क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जरूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम आती तो नीचे कमेंट में आप बताइएगा, मैं आपको ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगा।